JAM जैम यानी झूठी अहंकारी और महंगाई वाली भाजपा ने अखिलेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले बड़े बड़े पत्थर लगा दिए, जिससे समाजवादी एक्सप्रेसवे पर साइकिल ना चला सके। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी इस घटिया राजनीति करने से पहले इतिहास भूल गई कि जब जब साइकिल को एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से रोका है, तब तब साइकिल की सत्ता में वापसी हुई है। आपको याद होगा 2012 में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यमुना एक्सप्रेसवे पर साइकिल चलाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती सत्ता की हनक से ऐसी मदमस्त थी कि उन्होंने सारे हाथी घोड़े खोल दिए कि साइकिल एक्सप्रेसवे पर ना चल सके। खैर, थोड़े ही समय में बहन जी को इसका खामियाजा ऐसा भुगतना पड़ा कि दोबारा उनकी सत्ता में वापसी तो छोड़िए, पार्टी के अस्तित्व तक पर सवालिया निशाना लग चुका है। किरदार भले ही बदल गए हों, लेकिन हालिया समीकरण ऐसे बनते जा रहे हैं कि अखिलेश की 2022 में वापसी तय है। 2012 में घटनास्थल यमुना एक्सप्रेसवे थी, तो 2022 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। 2012 में अहंकारी बहन जी थी, तो अब बौखलाए हुए बाबा जी हैं। बसपा सरकार में भी यमुना एक्सप्रेसवे पर सपाइयों को रोकने की कोशिश की थी, इसके बाद भी सपाई साइकिल कंधे पर लेकर यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरे। सपा के एक्सप्रेसवे पर उतरते ही सपा की सरकार भी बनी। इस बार भी सपाई कंधे पर साइकिल लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे और सपा की सरकार बनेगी। अखिलेश ने कहा कि बहुत जल्द हम एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा कार्यक्रम बनाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ही प्रोजेक्ट था और उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। अखिलेश ने बाकायदा अपने मुख्यमंत्री काल की एक फोटो भी ट्वीट की है, उसमें ये दिखाया गया है कि वो इसका शिलान्यास कर रहे हैं।